बीकानेरी लोकसभा सीट पर कब्जो भारतीय जनता पार्टी लगातार चली आ रही है। फिल्मी दुनिया में और हकीकत में बहुत अंतर होता है, और शायद अगर दूसरा चुनाव धर्मेंद्र को यहाँ से लड़ना पड़ता तो वो बहुत बुरी तरह से हार के भी जाते, नंगे हो चुके हैं पूरी जनता के सामने, और अब जनता इनको धकेलने वाली है। राम राम, नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। थारो स्वागत है और अभिनंदन है। आज आपा एक शख्सियत है और बीकानेर जिला से प्रतिनिधित्व है, जककर है कांग्रेस पार्टी, मदन गोपाल जी। आपा बारखाने बैठे हैं और इंटरव्यू है जो आज लेन आपा आया हाँ। तो आपा आज बात करा लोकसभा चुनाव रही, भाजपा लगातार जो है काबिज रही है बीकानेर क्षेत्र में, तो कांग्रेस पार्टी में कई कमियां रही है? ऐसा नहीं है, 2004 के बाद थे कह रहे हो जी की बात सही है कि 2004 से बीकानेर लोकसभा सीट पर कब्जो भारतीय जनता पार्टी लगातार चली आ रही है। 2004 में धर्मेंद्र जी आया, एक फिल्म स्टार, एक सेलिब्रिटी बनाम ऐसा चुनाव हो गया था, और उसमें भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत थोड़े से मार्जिन से, शायद जहाँ तक मुझे याद है करीब 65,000 के आसपास के मतों से वो हुआ था। लेकिन एक धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे, लोगों के मन में बड़ा ऐसा था कि धर्मेंद्र जैसे पर्दे पर काम करते हैं और जैसे समस्याओं को सुलझाते हैं और बेईमानों से लड़ते हैं वैसे करेंगे, लेकिन एक ही बार में लोगों का ये विश्वास जो था वो टूट गया था, ये उतर गया था विश्वास कि नहीं, फिल्मी दुनिया में और हकीकत में बहुत अंतर होता है, और शायद अगर दूसरा चुनाव धर्मेंद्र को यहाँ से लड़ना पड़ता तो वो बहुत बुरी तरह से हार के भी जाते। रामेश्वर लाल डूडी 1999 2004 तक सफर है जो बीकानेर में रह चुके हैं, तो इस सफर रही कुछ झलकियां या थे कुछ बता सको कि आगे काबिज क्यों कौन रही और कहीं वजह रही भी चीज रही, या फिर सीट चेंज होने की वजह भी कठिन कठिन थोड़ा बहुत असर पड़ी हुआ कांग्रेस पर? सीट चेंज होने का कोई असर और बसी बात कौन है, 2009 में जब चुनाव हुआ परिसीमन के बाद में, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से रेवंत राम जी पंवार मैदान में थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अर्जुन जी चुनाव मैदान में आए। अर्जुन जी चूंकि IAS की नौकरी छोड़ के आए थे और अलग सी थोड़ी उनकी पहचान थी, तो ऐसा ही कुछ माहौल बन गया था कि अर्जुन जी बहुत थोड़े से मार्जिन से करीब 19,500 वोटों से वो चुनाव जीत गए। हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं, अपनी गणित होती है, तो उस चुनाव की भी अपनी कुछ गणित रही, थोड़ी सी पहली बार ऐसी बनी थी, वोटिंग परसेंटेज भी कम हो पाया, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जहां कांग्रेस का अच्छा होल्ड होता है वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम होने का लाभ अर्जुन जी को मिला और पहला चुनाव अर्जुन जी जीत गए। तत्पश्चात जो दो चुनाव हुए वो वास्तव में चुनाव नहीं थे बल्कि वो एक लहर थी, 14 भी एक लहर थी, 19 भी एक लहर थी। मैं कोई सा भी चुनाव हो भले, लहर के चुनाव को मैं चुनाव नहीं मानता। चुनाव तब होता है जब व्यक्ति के सामने कई विकल्प हो, जब व्यक्ति विकल्पहीन होकर के वोट डालता है तो चुनाव नहीं होता। मैं राजस्थानी भाषा ने प्रमोट करने रो काम कर रहा हूं। थारी का रणनीति है पंजाब में पंजाबी में पत्रकारिता हो, पंजाबी में लोग बोले, गुजरात में गुजराती में पत्रकारिता हो और गुजराती भाषा है जो कि बोले, अलग अलग क्षेत्र से मैं थाने अलग अलग आंकलन है जगह देश को, लेकिन राजस्थान में राजस्थानी भाषा रा मायने कई उदासीनता है और कठे है जो को पंगो फसुडू है थारी नजर में, एक राजनीतिक पार्टियों एक थे विशेष है जो को आंकलन रखो तो थारी नजर में थारी पार्टी है जो कि कई है जो कि आने वाले दिन में कर सके। देखो तो जी की बात कर रहे हो, राजस्थानी ने दर्जो मिलना चाहिए, बिल्कुल मैं भी ये बात सुन थारी राय सु सहमत हूँ, थारी राय राय मारी भी राय आई है। जकी भी स्थानीय भाषा हुए, नागरिक स्थानीय भाषा हुए, बाही भाषा अगर सरकार री कामकाज री भाषा हुए तो निश्चित रूप से सगड़ा ने बीरो फायदो हुए। अब मेरी जड़ तक है कि नहीं है, ये खूब प्रयास हो रहा है, सभी लोगों ने किए हैं, कांग्रेस से भी जो पहले रहे उन लोगों ने भी किए हैं, अभी भी कर रहा है, और उम्मीद है कि जल्दी ही राजस्थानी भाषा ने भी एक दर्जो मिल सी, संवैधानिक दर्जो मिल सी, और जो हमारी भाषाएं हैं उसमें उसको मान्यता प्राप्त उसी उस प्रदेश के 5.5-6 करोड़ लोग हैं बाने ये चीज़ को फायदा मिल सी। भारत माला सड़क ने बतायो जावा है कि मोड़ देनो, खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अगर आप बात करा तो खाजवाड़ा री आधी आबादी ईसु नाराज है कि भारत माला रोड ने क्यों घुमा दियो गयो, तो कड़ी राजनीतिक कारण या थारी नजर में कुछ और? बिल्कुल एक प्योर राजनीतिक कारण हो, ना केवल खाजुवाड़ा बल्कि रावला घड़साना, खासकर रावला रा लोग भी इस बड़ा नाराज है। पहला आप घड़साना सुन रावला होते हुए
और खाजूवाड़ा होते हुए अठीने सुमिलानी ही इसके बाद में अठीने सुलेर आया है। अब ये एक सामान्य चर्चाएं हैं कि इसमें भारी राजनीति हुई है, इसकी वास्तव में कोई ठोस सबूत तो हमारे पास नहीं जिसके आधार पर हम कोई आरोप लगा सकें, लेकिन आम जन में इस बात को लेकर के जबरदस्त विरोध है और अर्जुन जी के खिलाफ विशेष रूप से भाजपा के जो सांसद हैं मंत्री हैं उनके खिलाफ लोगों में जबरदस्त रोष था और अभी भी है। ये अलग बात है कि वो चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने का मतलब वो कौन है कि लोगों ने नाराजगी खत्म हो गई। लोग, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, इन दो चुनाव में लोग विकल्पहीन होकर के वोट किए, उसकी वजह से इनको फायदा मिला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वोट इनको नहीं, वोट किसी और को मिला है। एक और कैबिनेट में विस्तार होनो, बीकानेर से तीन मंत्रियां ने कैबिनेट में जगह देनी, कठिन कठी हरी सीट पर खतरों नजर को नहीं आवा? मेरी सीट से क्या मतलब, मेरी तो कोई सीट नहीं है, सीट तो बीकानेर की जनता की है, उस पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती है। रही बात पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये अभी लंबा समय है। और मंत्री बनता ही आपने क्षेत्र में घूमता ही पांच सड़का रो स्वीकृत करवा देनी, पांच सड़का जकारी हालत ही जकी जर्जरी, तो कठिन कठी आज की उड़ान है आ उड़ान थाने कट तक लगे या थारो ई पर कई मत है? देखिए, ये कोई व्यक्ति का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। हमारी सरकार जो है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ना केवल बीकानेर में पूरे प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, तो हमारे यहाँ भी होएगा। बीकानेर कोई अलग से अछूता नहीं है। हाँ, आपने किया कि कैबिनेट विस्तार में एक मंत्रिमंडल में और जगह मिली है, ये हमारे बीकानेर के सभी निवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। कोई इसके पीछे सब अपने अपने तरीके से मतलब निकाल सी, अपने अपने तरीके से अर्थ लगा सी, ये निजी मत है, ऐसा कोई वो नहीं है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ये एक तरह से जैसे कहते हैं अंधोवाड़ा हाथी, तो अंधोवाड़ा हाथी के जिसको जैसा लगता है वो उसका वैसा वर्णन करता है। कोई उसको किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है। अभी लोकसभा के चुनाव में बहुत वक्त है, तब तक क्या परिस्थिति रहती है, पार्टी जो पार्टी के हित में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का हम स्वागत करेंगे। कैंडिडेट कौन होता है कौन नहीं होता ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है। जैसे अभी आपने कहा कि करीब 20 साल से यह सीट भाजपा के कब्जे में है, इस सीट को भाजपा के कब्जे से छुड़ा करके जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है वापस इसको कांग्रेस की झोली में डालना ही हम सबका ध्येय है। व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता इसमें। सचिन पायलट कट देखो थे, सचिन पायलट भी कांग्रेस में ही है और बिल्कुल एकमत है, सभी साथ मिलकर के और कांग्रेस के हित में काम करेंगे। डॉक्टर विश्वनाथ जी जो को एक थेमांसको की मोदी लहर रो इफेक्ट कौन पड़े हुई चीज पर, विश्वनाथ जी के चुनाव पे? हाँ, देखिए, मोदी लहर का जो सबसे बड़ा जो प्रभाव रहा था ना, वो रहा था 2013 का विधानसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव, उन दोनों में था। लेकिन 2018 का जो चुनाव था उसमें मोदी लहर का प्रभाव नहीं था, कतई प्रभाव नहीं था, बल्कि उस समय भाजपा की सरकार जो राज्य की सरकार थी उसके द्वारा जो काम किए गए थे उसके खिलाफ जनता में भयंकर रोष था और उसी का परिणाम ये था कि देश के अंदर सत्ता बदली। हाँ, कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिसके कारण से जितनी नाराजगी थी उतना हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो ई बार थारी रणनीति कहीं रही, जनता रे बीच में पहुंचने रही और बीच चीज ने किया खत्म करने रही, क्योंकि एक प्रकार भाजपा है जकी नाराजगी जाहिर हो रही है और लोग है जकी सुख बुघाट कर रहे हैं, पर्दे पीछे है जकी भाजपा थोड़ी बहुत नाराजगी है जकी व्यक्त कर रहे हैं, तो ई चीज रो थे फायदा किया उठा? मैं फायदा कैसे उठाऊंगा, ये तो हमारी बिल्कुल संगठन कांग्रेस संगठन हमारे कार्यकर्ता हमारे जो गांव घाणी ठेठ बॉर्डर तक जो लोग बैठे हुए उन सब के मन में है। असल में लोग भाजपा से बहुत ज्यादा निराश है, लोगों ने भाजपा से आशा करके नहीं बल्कि भाजपा ने लोगों को लोगों की भावनाओं का शोषण करके एक जिसे मैं कहूंगा राजनीति के हिसाब से प्रजातंत्र के हिसाब से अनैतिक कार्य किया है, यह नैतिक कार्य नहीं है। भाजपा ने लोगों के जो वास्तविक जीवन के मुद्दे होते हैं जो उनके दिन प्रतिदिन के जो आवश्यकताओं के मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके एक मानसिक चीजें जो साइकोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं जो वास्तविक नहीं होती, जैसे अपन कहते हैं ना कई बारी एक तो जैसे सामने कोई डर है जैसे सांप बैठा है वो एक वास्तविक डर है और एक खाली भय पैदा कर दो कि यहां भूत है, तो उस तरह का जो किया है वो भय पैदा किया था, वो भ्रम अब लोगों का टूट चुका है। भाजपा का कोई नीति नहीं है, वो किसी का भी भला नहीं करना चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जाति धर्म क्षेत्र लिंग भाषा जितने भी तरीके से बांटा जा सकता है उस तरीके से बांट करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करके और
अधिकांश लोगों को अधिकार विहीन, धन विहीन, शिक्षा विहीन, ताकत विहीन बना करके, जो किसी जमाने में हमारी ऐसी कोई व्यवस्था होती करती थी जिसमें चंद लोगों के हाथ में शक्तियां होती थी, वैसी बना करके करना चाहती है। तो थारी कांग्रेस पार्टी में थे एक वरिष्ठ नेता हो, कांग्रेस पार्टी में युवाओं ने मौका नहीं देना चाहिए? देखिए, युवाओं का मौका न केवल राजनीतिक पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में, युवाओं को मौका हर जगह मिलना चाहिए और मिलता भी है। लेकिन युवाओं को मौका मिलने का भी एक तरीका होता है। सिर्फ युवा होना ही एकमात्र क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, युवा के साथ अनुभव भी है उसका, और सारी चीजें हैं मिलकर के होता है। और सचिन जी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, पिछले लंबे समय तक उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली और उसी के उन्हीं के काल में भाजपा को हरा करके राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सत्ता हासिल हुई है। अब रही बात ये कि युवाओं को मौका नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। मौका मिलने का तात्पर्य कोई यही नहीं कि वो एक पर्टिकुलर कोई चीज मिले तो ही मौका मिलता है, बिल्कुल मौका मिलता है, पहले भी दिया गया है और आगे भी दिया जाता रहेगा। कि किसान जगह अभी कृषि बिल है वे एक बार लागू कर दिया गया और भी बाद में अचानक गुरु पूर्णिमा दिन प्रधानमंत्री मोदी सुबह उठता ही है जबकि सौगात दे दो कि मैं वापिस ले रहा हूँ और मैं माफी चाह रहा हूँ। तो जीता दिन कृषि कानून जगह लागू कराया, बेता दिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगा दी भी ओ कर दियो और दिल्ली में बॉर्डर पर किसान सैकड़ों बैठा, वापिस लियो तो आ बात करिए कि नाटक कर रहे हैं। तो ये चीज ना पक्या देख सका, मतलब करे तो गलत या ना करे तो गलत, या हमारी रणनीति गलत है? सच बात तो ये है कि इनकी रणनीति गलत है, इन्होंने किया भी गलत था। त्रिपुरा में कई नजर है, त्रिपुरा में जिस तरह से हो रहा है यह एक तरह से देखा जाए तो देश को बांटने वाला और करने वाला काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका काम ही एकमात्र है कि कैसे ही दो लोगों को लड़ाया कैसे जा सकता है, चाहे उसका आधार कुछ भी हो। ये आज हो सकता है आने वाले टाइम में ये बूढ़े और जवान पे लड़ा दे, स्त्री पुरुष पे तो लड़ा ही दिया, लिंग पे लड़ा दिया, जवान उस पे लड़ा दे, कुछ भी कर सकते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, चाहे भले देश तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, लेकिन सत्ता मिलनी चाहिए। और ये त्रिपुरा में इस तरह से कर रहे हैं और लोगों ने जिस तरह से त्रिपुरा के हालात देखे वहां के लोग समझ गए हैं अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो ए अपने सगे मदन जी हा, आप यहाँ ही सरगर्मी रे बीच में बुलंदियां री आवाज और पानी रा टोपा और पानी री बूंदा और बीर बीच में एक सुलगती हुई राजनीति रे दरारा रे बीच में सफर करा, थे देखते रहा छलको बीकानेर। नमस्कार।